हिंदी है रचने वाले के कल रात के एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैमिली ड्रामा, जहां पर एक तरफ तो पल्लवी ने राघव को अपने एक्स हस्बैंड के चक्कर में दे दिया है एक दूसरा मौका अपने आप को सही प्रूफ करने का, अपनी गलती सुधारने का, तो वहीं राघव भी इस दूसरे मिले मौके को अच्छे से भुनाना चाहता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि राघव अपना सारा सामान पैक करके सुलोचना और शारदा के घर पर पहुंच जाता है, यानी कि वो पल्लवी के मायके पहुंच जाता है और डोरबेल बजाता रहता है। जैसे ही शारदा दरवाज़ा खोलकर के सामने राघव को देखती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर एंटर होता है राघव और कहता है कि अब से हम लोग एक अच्छी फैमिली की तरह घर पर ही रहेंगे और एक दूसरे के साथ में रहेंगे। ये सुनकर हर कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो दूसरी तरफ पल्लवी को जब इस बात की खबर लगती है, तो वो राघव से सवाल जवाब करने के लिए उसके पूल के पास आती है, जहां पर राघव पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। राघव से वो कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और ये कहते कहते पल्लवी का पैर पानी में फिसल जाता है और वो पूल में गिर जाती है। बेचारी पल्लवी को डूबता देख राघव झट से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बचाने के बाद इन दोनों का एक खूबसूरत सा रोमांटिक मोमेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि जब जब राघव पल्लवी एक दूसरे के करीब आते हैं, भाई उनकी खूबसूरत रोमांस से मानो शो का माहौल और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। यही देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाली कहानी में, और जिसके बाद ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो खूबसूरत फीलिंग राघव फील कर रहा है पल्लवी के लिए, क्या पल्लवी के दिल में भी राघव के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।